हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं आप सबके बीच तृप्ति लेकर आई हूं। आज की एक खास रिपोर्ट किसी और नहीं बल्कि बॉलीवुड टाउन की सबसे मशहूर और वन एंड ओनली सेलिब्रिटी सलमान खान को लेकर। जी हाँ, सलमान खान जिस तरह से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते नजर आए, सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने बर्थडे पर अपने क्लोज मेंबर्स के साथ वक्त गुजारना हर साल पसंद करते हैं। क्या आपको मालूम है कि सलमान खान के बर्थडे पर उनके फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स और कुछ एक्स भी अक्सर मौजूद नजर आती हैं, क्योंकि सलमान खान कई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता तो खत्म कर चुके थे लेकिन दोस्ती का रिश्ता उन्होंने बरकरार रखा। आज आप जानेंगे कि सुपरस्टार सलमान खान, जिनका बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में ऐश्वर्या, कैटरीना के साथ नाम जुड़ा, उन्होंने रियल लाइफ में कई ऐसी भी एक्ट्रेसेस को डेट किया है जो कि बॉलीवुड से हटकर भी रही है। जी हाँ, बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड तक की एक्ट्रेस को डेट कर चुके हैं सलमान खान। आज इस रिपोर्ट में मैं तृप्ति आपको उन टॉप 10 अदाकाराओं के बारे में बताने जा रही हूँ स्पेशल रिपोर्ट में, जिन्हें सलमान ने वाकई में डेट किया और उन्होंने खुद एडमिट भी किया कि लोग सोचते हैं सिर्फ 6 एक्ट्रेस को उन्होंने डेट किया लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने उनसे ज्यादा एक्ट्रेसेस को डेट किया है। तो चलिए जानते हैं उन हसीनाओं के बारे में खास रिपोर्ट में। सुपरस्टार सलमान खान का नाम वैसे तो कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा, कई एक्टर्स के साथ जुड़ा, कई मॉडल्स के साथ जुड़ा, लेकिन यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं सलमान खान की ज़िंदगी में वो 10 एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्हें वाकई में उन्हें डेट करते हुए देखा गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सलमान खान ने स्वीकार किया था कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 6 से ज़्यादा महिलाओं को डेट किया था और ये उन्होंने स्वीकारा भी था, लेकिन उनका रिश्ता कामयाब किसी के साथ नहीं रहा। उनकी लव लाइफ के बारे में जानने की एक्साइटमेंट सबके बीच रहती है। अब 58 साल के हो गए सलमान खान, जो इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, जिनकी अगर रिक्वायरमेंट है शादी प्लान्स को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा एंडलेस हैं। उन्होंने एक बार एक शो में कहा था कि 1, 2 या 6 नहीं उनसे भी ज़्यादा उनकी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं शाहीन जाफरी से। जी हाँ, आपको बता दें शाहीन जाफरी के बारे में, जिन्हें सलमान खान ने बहुत पहले डेट किया था। दरअसल सलमान की फैमिली शाहीन को आज भी अपना परिवार का हिस्सा मानती है। सलमान खान और शाहीन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था, ये बात आपको बता दें स्टेटमेंट के ज़रिए सामने आए थे कि शाहीन को डेट सलमान ने किया था बहुत पहले। इनके बीच बहुत खूबसूरत रिश्ता था और उन्हें लगता था कि शायद एक दिन उनकी शादी हो जाए। दूसरी एक्ट्रेस है संगीता बिजलानी, 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेस, जिन्होंने मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। उन्होंने सलमान के दिल पर भी राज किया था, शादी का प्लान भी था इनका, लेकिन अचानक सिर्फ दोस्ती तक रखने का अपना रिश्ता मन बना लिया सलमान ने। अब तीसरी है सोमी अली। सोमी अली के बारे में बात करते हैं। सोमी अली पाकिस्तानी एक्ट्रेस, जो सलमान की इतनी दीवानी हो गई थी कि वो पाकिस्तान से इंडिया सलमान खान की मोहब्बत में ही पढ़कर आई थी। उन्होंने सलमान खान से दूर होने पर काफ़ी दुख झेला। 6 साल तक ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में रहे, मगर सलमान खान के अल्कोहल रिलेटेड इश्यूज़ और ऑब्सेसिव बिहेवियर की वजह से सोमी से उनका रिश्ता टूट गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्यूटी दीवा ऐश्वर्या राय बच्चन आ गई थी सलमान की ज़िंदगी में, इस कारण भी उनका रिश्ता टूट गया था सोमी अली से। इसके अलावा फारिया आलम, जी हाँ, बहुत कम ही लोग जानते हैं 90 के दशक में फारिया आलम को भी सलमान ने डेट किया था। फॉर्मर फुटबॉल एसोसिएशन सेक्रेटरी, जो बांग्लादेश की रही हैं, उन्हें डेट किया था सलमान खान ने सीरियस में। इसके अलावा मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन, अर्ली 2000s के दौरान ऐश्वर्या सलमान सीरियस रिलेशन में रहे, लेकिन 2 से 3 साल के अंदर इनके रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई कि आखिर में दोनों का रिश्ता टूट गया। ऐश्वर्या ने फिजिकल वायलेंस के भी आरोप सलमान पर लगाए थे।
अब आपको बता दें कैटरीना कैफ के बारे में हम बात करना चाहेंगे। जी हाँ, सलमान खान ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैटरीना के साथ आज भी बरकरार रखते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी कभी इनका रिश्ता काफ़ी सीरियस था। जी हाँ, कंफर्म नहीं किया ऑफिशियली इन्होंने अपने रिलेशन को कभी, लेकिन इनके बीच की नज़दीकियाँ एक दो नहीं कई दफ़ा देखने को मिली। जितने सलमान खान कैटरीना पर मेहरबान थे, इससे लोग यकीन कर बैठे कि वाकई में इनके बीच काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है। अब बात कर लेते हैं महक चहल के बारे में। जी हाँ, फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 2011 के दौरान महक चहल को सलमान डेट कर रहे थे। ये खबर हर जगह सरफेस करते नजर आई थी कि सलमान खान कई बार महक चहल को बाकी अदर कंटेस्टेंट्स के सामने फेवर किया करते थे और इनके बीच की फ़ोटोज़, क्लोज बॉन्ड की फ़ोटोज़ भी वायरल हुई थी। अब बात कर लेते हैं मोस्ट पॉपुलर सलमान खान की गर्लफ्रेंड के तौर पर रही आज भी सलमान के करीब नज़र आने वाली खान परिवार की करीबी यूलिया वंतूर के बारे में। जी हाँ, यूलिया को रिसेंटली अरबाज और शोरा की शादी में भी स्पॉट किया गया था। खूबसूरत लहंगा में दुल्हन की तरह यूलिया भी सजी थी। अफवाहें उड़ी थी कि यूलिया के हस्बैंड के तौर पर रोमानियन ब्यूटी यूलिया के अपने शहर में यह खबरें छप गई थी। सलमान खान की ज़िंदगी में रोमानियन ब्यूटी यूलिया का हिस्सा अब भी उतना ही बड़ा है जितना कभी उनके बीच रिश्ते को लेकर चर्चा थी। सलमान के परिवार के बीच यूलिया अक्सर नज़र आती हैं और यूलिया को सलमान काफ़ी पसंद करते हैं। ये काफ़ी क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं, क्वालिटी टाइम आज भी स्पेंड किया करते हैं। अब बात कर लेते हैं फेमस रियलिटी शो बिग बॉस की एक और कंटेस्टेंट क्लॉडिया सीज़ला के बारे में। जी हाँ, कई इवेंट्स में क्लॉडिया के साथ स्पॉट किए गए थे सलमान और तब उनके डेटिंग शेटिंग की रूमर्स उड़ रही थी हर जगह पर। बता दें बिग बॉस सीजन 3 का हिस्सा थी क्लॉडिया। साल 2009 में क्लॉडिया बिग बॉस के ज़रिए फेमस हुई, लेकिन सलमान के साथ नाम जुड़ने पर और भी ज़्यादा उन पर बातें हुई। अब 10वें नंबर की हसीना की बात कर लेते हैं, समांथा लॉकवुड। जी हाँ, हॉलीवुड एक्ट्रेस समांथा लॉकवुड के साथ 2022 में हेडलाइंस बनी थी सलमान खान की रिलेशनशिप की और कथित गर्लफ्रेंड के तौर पर उनका नाम दर्ज हुआ सलमान खान की ज़िंदगी में। और ये स्पेक्टुलेशंस जब हुए तो उन्होंने कहा कि सेंसलाइज्ड न्यूज़ है ये, वो इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में उन हसीनाओं के बारे में आपने जाना जिन्हें सलमान खान ने रियल लाइफ में डेट किया है, जिन्हें सलमान खान ने वाकई में अपनी लाइफ में जगह दी, लेकिन मोहब्बत की कहानी ख़त्म हुई और फिर दोस्ती तक ही रह गई रिश्ते की कहानी। ऐसे में कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिनसे हमेशा के लिए तालमेल ख़त्म हो चुका है सलमान का, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस हैं जिनसे दोस्ती का रिश्ता है उनका, यानी कि संगीता बिजलानी, कैटरीना कैफ जैसी एक्ट्रेस हैं जिनसे सलमान आज भी दोस्ती का रिश्ता निभा रहे हैं। खैर, आज की इस खास रिपोर्ट में वक्त हो चला है आपसे यहीं पर इजाज़त लेने का। फिर लौटेंगे जल्द ऐसे ही बी टाउन के सेलिब्रिटीज़ की लव लाइफ, सीक्रेट अफेयर्स और टॉप गॉसिप से आपको रूबरू कराने के लिए हमारे चैनल में एक बार फिर नए एपिसोड के साथ। टिल देन स्टे ट्यून विथ ऑल आवर लेटेस्ट अपडेट एंड टू नेवर फॉरगेट योर बेल, प्रेस द बेल आइकन बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड इन योर फोन जस्ट विथ आवर चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ। बाय बाय एंड टेक केयर।